हेलो एंड वेलकम बैक एम पी लाइट्स का फुल फॉर्म क्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम मैं एम पी लाइड्स का फुल फॉर्म क्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एम पी लाइट्स फंड मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एजुकेशन एट्सेट्रा सो एम पी लैड्स है ना इस फंड का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करना चाहिए ये ड्यूरेबल एसेट्स के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जो फिजिकल जिसका फिजिकल प्रेजेंस सिग्निफिकेंस हो ठीक है सो फिजिकल स्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एजुकेशन एटसेट्रा सो एम पी लैट्स फंडस मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एजुकेशन एटसेट्रा फिफ्टीन परसेंट ऑफ एम पी लैट्स फंड आर टू बी यूटिलाइज फॉर एरियाज इनहेबिटेड बाई एस सी पॉपुलेशन एंड सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ फॉर एरियाज इनहेबिटेड बाई एस टी पॉपुलेशन तो प्रावधान है भारत के संविधान में कि जो एम पी लैट्स का जो फंड मिलेगा ना उसमें से फिफ्टीन परसेंट वो एस सी पॉपुलेशन के लिए खर्चा होना चाहिए पैसा का और सेवन पॉइंट फाइव परसेंट जो है वो एस टी पॉपुलेशन के लिए खर्चा होना चाहिए फंड का सेवन पॉइंट फाइव परसेंट एमपी लैड फंड्स रिलीज अंडर द स्कीम आर नॉन लैपल दैट इज द एंटाइटलमेंट ऑफ द फंड नॉट रिलीज इन अ पर्टिकुलर ईयर इज कैरीड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए एक साल में पैसा मिला दस लाख रुपए मिल गए अब वो दस लाख रुपए का इस्तेमाल करेगा तो दस लाख का है आपका मान लीजिए पंद्रह परसेंट तो पंद्रह परसेंट दस लाख का कितना हो जाएगा एक लाख आपका आप पचास हज़ार तो एक लाख पचास हजार जो है वो एससी पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए और सत्तर हज़ार पाँच सौ जो है वो सेवन पॉइंट फाइव परसेंट तो पचहत्तर हज़ार जो है वो कहाँ पर एस टी पॉपुलेशन के लिए यूज़ होना चाहिए बाकी जो बच्चा है वो सब जगह यूज़ होना चाहिए और इसमें क्या बोल रहा है कि अगर फंड साल भर का यूज़ नहीं हो पाया ना तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा विथ द टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी लैप्स नहीं होगा कि पैसे बच गए और गायब हो जाएगा ना सो द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एट लीस्ट टेन परसेंट ऑफ ऑल वर्कस अंडर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम पी लैड्स स्कीम एवरी ईयर सो जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है वो उसका काम है कि इंस्पेक्ट करना एटलीस्ट टेन परसेंट ऑफ ऑल वर्क अंडर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम पी लैड्स स्कीम एवरी ईयर सो टेन परसेंट ऑफ ऑल वर्कस अंडर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ़ एम पी लैड्स स्कीम एवरी ईयर तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो होती है उसका काम है इसको इंस्पेक्ट करना और साथ ही साथ ये कोशिश करना कि जितने भी टेन परसेंट ऑफ ऑल वर्कस अंडर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ़ एम पी लैड्स स्कीम एवरी ईयर ठीक है तो जितना भी स्कीम उस स्कीम से जितना भी वर्क एलोकेट किया हुआ है ना उसका कम से कम 10 परसेंट का इंस्पेक्शन करना जरूरी है सो द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10 परसेंट ऑफ ऑल द वर्क्स अंडर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एम्पीलैट स्कीम एवरी ईयर हर साल वो करना है एज पर द लॉ द कम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट बोथ द नेशनल एंड स्टेट लेवल्स कई बात सही है हाँ सही है तो कानून के अकॉर्डिंग द कम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट ये जो कम्पनसेटरी अफॉरेस्ट्री कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट जो है और साथ ही साथ जो प्लानिंग अथॉरिटी है ये uh, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती है नेशनल और स्टेट लेवल्स पे सो अकॉर्डिंग एज पर द लॉ द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल्स कई बात सही है हाँ राष्ट्रीय गरिमा अभियान राष्ट्रीय गरिमा अभियान इज़ अ नेशनल कैंपेन टू इरेडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहैबिलिटेट रिहैबिलिटेट द मैनुअल स्कैवेंजर्स सो राष्ट्रीय गरिमा अभियान क्या है ये राष्ट्रीय गरिमा अभियान एक नेशनल कैंपेन है ताकि वो जो मैनुअल स्केवेंजिंग का जो प्रैक्टिस है ना उसको इराडिट किया इराडिकेट किया जाए साथ ही साथ रिहेबिलेट जो वो मान लो मैनुअल मैवेंजिंग पहले करते थे अब उससे काम छुड़वा दिया तो वो क्या करेंगे तो उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा ठीक है ना सो so, राष्ट्रीय गरिमा अभियान एक नेशनल कैंपेन है जो कि इराडिकेट करता है प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्केवेंजिंग को और रिहेबिलिटेट करता है मैनुअल स्कैंजर्स को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में टोटल 22 मेंबर्स होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं और 22 मेंबर्स में से 15 मेंबर लोकसभा के होते हैं और सात मेंबर राज्यसभा के होते हैं ठीक है सो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं ट्वेंटी आउट ऑफ विच फिफ्टीन आर लोकसभा मेंबर्स एंड सेवन आर राज्यसभा मेंबर्स

फंक्शंस ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है पब्लिक अकाउंट कमेटी का फंक्शन क्या है पहला फंक्शन है कि एग्जामिन करना जो एनुअल एडिट रिपोर्ट होते हैं ना कैग के जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट होते हैं कैग के एनुअल ऑडिट रिपोर्ट जो होते हैं उसको एग्ज़ामिन करना जो कि रखा जाता है पार्लियामेंट के में प्रेसिडेंट के द्वारा टू एग्जामिन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड एंड फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड एनी अदर अकाउंट्स लेट बिफोर द लोकसभा सो so, उसका काम है एग्जामिन करना सुप्रीम कोर्ट का एग्जामिन काम है एग्जामिन करना तो क्या है एक चीज़ एग्जामिन करना टू एग्जामिन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड द फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड एनी अदर अकाउंट्स लेड बिफोर द लोकसभा ठीक है तो ये एग्जामिन करना रहता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट का फाइनेंशियल अकाउंट्स है और, और भी जो अकाउंट्स है तो उसके लिए ये चीज़ करना पड़ता है तो ये लोकसभा के लिए लेड कर मैं प्रिपेयर करता है सो फंक्शंस ऑफ़ पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है टू एग्जामिन द द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ कैग आर लेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट टू एग्जामिन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड द फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड एनी अदर अकाउंट्स लेड बिफोर द लोकसभा आर्टिकल टू जेड ई क्या है आर्टिकल टू जेड ई कमेटी ऑन मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी ऑन मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी ऑन मेट्रोपोलिटन प्लानिंग ये कौन सा आर्टिकल है आर्टिकल जेड जी आर्टिकल जेड जी कैसे याद रख रखी ये मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग है तो ऑब्वियसली काफ़ी पॉश पॉश एरिया में होगा और वहाँ पे काफ़ी महंगी गाड़ी होगी तो एक बाइक है जिसका नाम है जेडी बाइक जेड ई बाइक ठीक है तो टू फोर्टी थ्री जेड ई टू फोर्टी थ्री जेड ई एक बाइक है जो लिखा हुआ है आपके पूरे उस जर्नी में सो आर्टिकल टू फोर्टी थ्री जेड ई इज़ अ कमिटी ऑन मेट्रोपोलिटन प्लानिंग आर्टिकल टू फोर्टी थ्री जेड ई इज़ अ कमिटी ऑन मेट्रो इन मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमिटीज़ ऑन मेट्रोपोलिटन प्लानिंग प्रिपेयर्स द ड्राफ्ट प्लान्स फॉर मेट्रोपोलिटन एरिया सो मेट्रो प्लानिंग कमिटी जो होती है ना वो ड्राफ्ट प्रिपेयर करती है दे प्रिपेयर द ड्राफ्ट प्लान फॉर मेट्रोपोलिटन एरिया दे ड्राफ्ट द प्लान फॉर मेट्रोपोलिटन एरिया सो कमिटी ऑन मेट्रोपोलीटन प्लानिंग प्रिपेयर्स द ड्राफ्ट ड्राफ्ट प्लान फॉर मेट्रोपोलिटन एरिया कमिटी ऑन मेट्रोपोलिटन प्लानिंग प्रिपेयर्स द ड्राफ्ट प्लान फॉर मेट्रोपोलिटन एरिया एन सी एल पी एन सी एल पी का फुलफॉर्म क्या है नेशनल चाइल्ड लेबर राइट एन सी एल पी का फुलफॉर्म क्या है नेशनल चाइल्ड लेबर राइट सॉरी नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट एन सी एल पी का फुलफॉर्म क्या है नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट एन सी एल पी देश नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट वॉज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नाइनटीन एटी एट द रिबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर सो चाइल्ड लेबर को रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या बना गया था बना गया था एन सी एन सी एल पी एन सी एल पी का मतलब है नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट सो एन सी एन सी एन सी एल पी रिहेबिलिटेट कराया था चाइल्ड लेबर को और एन सी एल पी वॉज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइनटीन एटी एट सो एन सी एल पी कब लॉन्च हुआ था ये लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बाय 1988, 1988 में लॉन्च हो गया था चल so, रिकैप करते हैं एज पर चलिए एम पी लाइट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एम पी लाइट्स फंड मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल्स एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द हेल्थ एजुकेशन एक्सेट्रा फिफ्टीन परसेंट ऑफ एम पी लाइट्स फंड आर टू बी यूटिलाइज फॉर ईयर्स इनहैबिटेड बाई एस सी पॉपुलेशन एंड सेवन पॉइंट फाइव परसेंट फॉर एरियाज इन्हेबिटेड बाई एस टी पॉपुलेशन mp funds released under the scheme are not non, uh, not lapsable that is the excitement of the uh, sorry that is the entitlement of the fund should not release in a particular year is carried forward to the subsequent years subject to eligibility the district authorized the district authority who uh, the district authority must inspect at least 10% of all the works under implementation of mp uh, scheme every year

ये तो कर लिया फिर एज पर द लॉ द कंपल्सिटरी फॉर फॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल्स की बात सही है ये yes. राष्ट्रीय गरिमा अभियान इज नेशनल कैंपेन टू इराडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्ंग एंड रीहेबिलिटेड द मैनुअल मैनुअल्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ट्वेंटी सेवन मेंबर्स लोकसभा सेवन मेंबर्स राज्यसभा फंक्शंस ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी टू एग्जामिन द सेंट्रल ऑडिट Uh, to examine the central audit reports of the s reports of the cag which are laid before the parliament or by the president to examine the appropriation accounts and the finance accounts of the union government and any other accounts laid before the lok sabha article 243 zde sc committee on metropolitan city committee on Mo metropolitan planning committee on metropolitan planning कमिटी ऑन मेट्रो प्लानिंग एफियर्स प्रिपेयर्स द ड्राफ्ट प्लान फॉर मेट्रोपोलिटन एरिया क्या बात सही है यस एनसील का फुल फॉर्म क्या है नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट एनसीएलपी वज लॉन्च बाय गमेंट ऑफ इंडिया नाइनटीन एटी एट फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर कई बात सही है यस yes. बलते आप सब